बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर से। सीटीडी का लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दाएश और अलकायदा समेत कलदम तंजीमों के 33 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा कि किन किन शहरों में ऑपरेशन किया गया है। जी, मजमूरी तौर पर 400 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं, जिनमें 33 दहशत गर्दों की गिरफ्तारी का दावा सिटीडी हुकाम की जानिब से किया जा रहा है। ये ऑपरेशन जो है लाहौर, रहिंगिया खान, फैसलाबाद, ननकाना साहब, शेखोपुरा और रावलपिंडी में किए गए हैं। और सिटीडी हुकाम का यह कहना है कि लाहौर से 6 दहशत गर्दों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिनका ताल्लुक कलदम तंजीमों के साथ है। इनसे बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान और हैंड ग्रेनेड और रकम जो है वो बरामद की गई है। मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। इन तमाम दहशतगर्दों से जो तफ्तीश है वो जारी है। इब्तदाई तफ्तीश में ये इंकशाफ भी हुआ है कि हसास शहरों में तखरीबकारियां दहशतगर्दी का मनसूबा बना चुके थे। मजीद तफ्तीश अभी जारी है। 33 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तफ्तीश का अमल इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान, आपने तफसीलन अपडेट किया। बलूचिस्तान के जिला पशीन में सीडी ने कार्रवाई करते हुए 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक पशीन के इलाके सरखाब मुहाजिर कैंप में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। इस दौरान फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 5 आम दुश्मन के मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ।